तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब ये है क्या? इससे पहले हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ उसको ये अहमियत हासिल है कि वो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को फंक्शनल बनाता है। मतलब जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने सीखा, अगर वो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं होगा तो हमारा ये लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दीगर जितनी भी एप्स और सेटिंग्स हमने सीखी, नोटपैड, वर्डपैड, विंडोज सेटिंग्स वगैरह, वो भी नहीं कर पाएंगे जब विंडोज ही नहीं होगा। तो जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सीख सकते हैं और हमें आ जाता है कि हाउ टू ऑपरेट विंडोज फोल्डर, फाइल्स, कंट्रोल पैनल, सेटिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें, तो उसके बाद अब हम आते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की तरफ जिसमें हम कुछ चीज क्रिएट कर सके। अभी हमने क्रिएट करना नहीं सीखा, बल्कि हमने ये सीखा कि हाउ टू ऑपरेट विंडोज, हाउ टू सेटिंग डाउन। अब वो जो भी चीजें हमने सीखी और अब जो हम सीखने जा रहे हैं, ये उस पर बेस करेंगी, ठीक है, कि फाइल्स कहाँ सेव करनी है, कैसे मैनेज करना है, क्या चीजें करनी है। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये इस सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। जैसे पिछले वाले सब्जेक्ट का नाम था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये बल्कि हम यूँ कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। अब इस सब्जेक्ट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या? अगर हम इसको थोड़ा सा पहले माइक्रोसॉफ्ट को डिस्कस कर लें, तो माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जो कंप्यूटर के यूजर्स के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है, ठीक है। क्या क्रिएट करती है? सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है। और सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर हमारे काम को आसान बना देते हैं, ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर से लेना चाह रहे होते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बनाती है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और इससे रिलेटेड सर्विसेज देती है, जो कि 4 अप्रैल 1975 में, यानी कि 4th of April 1975 में फाउंड की गई थी। जिस शख्स ने इसको फाउंड किया था उसका नाम है बिल गेट्स। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस क्या चीज है? ऑफिस इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑफिस सॉफ्टवेयर के पैकेज का नाम है। पैकेज का मतलब होता है कि दो कोई भी तीन चार चीजें एक नए नाम से बना दें तो वो एक पैकेज बन जाता है, विच इज सूटेबल फॉर एवरीवन, लाइक जो कि हर किसी के लिए सूटेबल है, ठीक है। मतलब ये इसमें ऑफिस कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, पर एक सॉफ्टवेयर के पैकेज का नाम है। जैसे हम यू कह सकते हैं कि क्लास 6 किसी स्टूडेंट का नाम नहीं है, क्लास 6 एक पैकेज का नाम है जिसमें 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट शामिल है, सही है। मतलब इफ समवन सेइंग के आई आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, इट मीन्स इनडायरेक्टली ही इज सेइंग ही इज स्टडिंग इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी, साइंस और इस्लामियात, ये 5 6 सब्जेक्ट जो हैं वो उसको स्टडी करता है, जो उसके सिलेबस का हिस्सा है। इसी तरह ऑफिस भी सॉफ्टवेयर के पैकेज का नाम है। इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल है उसको पहले जानने से पहले हम देखते हैं किन लोगों के लिए सूटेबल है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है फॉर एवरीवन, एवरीवन का मतलब है कि इफ समवन हु वांट टू लर्न कंप्यूटर्स एंड ही वांट टू परफॉर्म सम टास्क यूजिंग कंप्यूटर्स, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसको आना चाहिए। समवन का मतलब कोई भी, वॉट एवर, अगर वो डॉक्टर है, स्टूडेंट है, टीचर है, प्रोफेशनल है, इंजीनियर है, या वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता है और वो कंप्यूटर से कोई काम लेना चाहता है, तो पूरी दुनिया में लोग को ये ऑफिस आना चाहिए। अब ऑफिस क्यों आना चाहिए उसको आगे देखेंगे हम सब, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि ये जो ऑफिस का पैकेज है इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है वो है, अब इन शॉर्ट एमएस का शॉर्ट फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक और इन्फो पाथ, और आने वाले वक्तों में और भी इनमें सॉफ्टवेयर ऐड होते जा रहे हैं। अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और एक्सेस हमारे सिलेबस में शामिल है, ठीक है। बाकी ये शामिल तो नहीं है हमारे पास और ये इतने यूटिलाइज भी नहीं होते, अगर कोई इसकी फ्रिक्वेंटली यूटिलाइजेशन बनी तो हम सीख लेंगे इसको, ठीक है। अब ये जो 4 सॉफ्टवेयर हमने समझे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस,
ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अभी इस जनरेशन में सीख रहे हैं और आपसे पहले किसी ने नहीं सीखे. सिंस 1996 या 1997 जब से ये सॉफ्टवेयर इसी नाम से मार्केट में इंट्रोड्यूस कराए गए थे विद सेम फंक्शनलिटी, मतलब 1996 से, यू आर लर्निंग इन 2024, ओके. तो यहाँ पर क्या समझना है, तो इसमें क्या सीखेंगे हम, क्या हो जाएगा? तो आइए ये चारों सॉफ्टवेयर अपनी अपनी अलग अलग फंक्शनैलिटी के अतबार से सीखे जाते हैं. तो समझते हैं हम इसके अंदर. अच्छा, ये मैंने कुछ आइकॉन्स लगाए हुए हैं, जैसे मैंने कहा सिंस 1996, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मुख्तलिफ वर्जन, व्हाट इज वर्जन, जैसे हम यूं कह सकते हैं, वी कैन से दैट के नूरा फाताही ने एक वॉल्यूम रिलीज किया गानों का ना, उसमें उसने 5 गाने जो हैं वो परफॉर्म किए, उसका नाम उसने रख दिया नूरा फाताही वॉल्यूम 3. दो तीन महीने, 6 महीने बाद उसका उसका नेक्स्ट वर्जन आया जिसमें उसने अगले 5 गाने उस एल्बम में ऐड किए और उसका नाम रख दिया नूरा फाताही वॉल्यूम 4. अब व्हाट इज वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4, ये दोनों जो उसने सॉन्ग्स परफॉर्म किए उनको एक पैकेज में डाला जिसका नाम उसने रख दिया वॉल्यूम 3 और दूसरे का नाम रख दिया वॉल्यूम 4. तो वो वॉल्यूम 3 उसका पहला वाला क्या कहेंगे पुराना एडिशन था और ये उसका नया एडिशन है. सिमिलरली जब सॉफ्टवेयर में हम बात करते हैं, ये पुराना सॉफ्टवेयर है नया सॉफ्टवेयर, हम कैसे कहेंगे उसको, हम कहेंगे वर्जन्स. ये 1997 का वर्जन है, 1997 का वर्जन है, ये 2010 का वर्जन है ऑफिस का, ये 2013 का वर्जन है ऑफिस का, ये 2016 का वर्जन है ऑफिस का. अभी कहानी खत्म नहीं है, अभी लेटेस्ट वर्जन और भी आने हैं, 19 में भी रिलीज हुआ है, 21 में भी रिलीज हुआ है, तो ये चलता रहेगा. जब 97 से या अभी तक रिलीज करते आ रहे हैं, हर 3 साल में एक नया वर्जन दे देते हैं. अब क्यों दे देते हैं? देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस भी है. जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं दे वॉन्ट टू अर्न मनी मोर एंड मोर. अगर अब चीज कोई पुरानी हो जाएगी, अब देखिए ये वाला LCD जो है ये आपके सामने रखा हुआ है, अगर ये ऑल टाइम चलता रहता तो आज आप सब यही LCD चला रहे होते, तो फिर आप ये वाला कब देखते, फिर आप उसका ये वाला शेप कब देखते और फिर इस वाले शेप पर कब आते. तो ऑल टाइम मार्केट इंडस्ट्री ग्रो करती रहती है, भले चीजें सही चल रही हैं वो उसको खत्म करेंगे, नई चीज ले आएंगे. सेम बिजनेस फॉलो हो रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मोबाइल स्मार्टफोन्स में, सेम कंप्यूटर्स में फॉलो होता रहा है, सही है. तो अब ये अब हम कौन सा सीखें, सवाल ये पैदा होता, जो 1997 में पैदा हुए थे उन्होंने 97 का सीख लिया, जो 2003 में पैदा हुए उन्होंने 2003 का सीख लिया, अब आप 2024 में पैदा हुए आप 2016 का सीख लें. अब 16 का क्यों सीखें, 24 में भी इसका नया वर्जन आया नहीं है, लास्ट वर्जन इसका 21 है. लेकिन क्या है कि जो वर्जन आते हैं इनमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं, मतलब सपोज कभी ब्लैक एंड व्हाइट से मतलब एग्जाम्पल है कि आज जो आपने सीखा जो 2024 का आया उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज थी, ऐसा नहीं है. बस उसमें कुछ कमांड्स ऐड कर देते हैं, कुछ फीचर्स नए डाल देते हैं. अब आप देखें, आपने इस मोबाइल से पहले जो दूसरा मोबाइल चलाया था वो भी एंड्रॉइड होगा, है ना, ये भी एंड्रॉइड है, क्या नई चीज है, इसकी रैम रोम ऐड कर दी, LCD थोड़ी अच्छी कर दी, दैट्स ऑल. वही एप्लीकेशन चला रहे हैं, वही व्हाट्सएप फेसबुक वही चलाते थे, इसमें भी यही चला रहे हैं, क्या नई चीज आई, सिर्फ कैमरा थोड़ा अच्छा कर दिया होगा. इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं. 2016 इस टाइम बहुत मोस्ट कॉमन है, बल्कि अब तो कुछ लोग सिर्फ जो यूज ही करते हैं वो 2007 और 2010 ही चला रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आपको 2016 के बारे में बता रहे हैं ताकि ये एक मिड लेवल वर्जन है. फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब ये सीख जाए तो 21 पे भी स्विच कर सकते हैं, वो आप टाइम टू टाइम खुद आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, ठीक है. अब आगे चलते हैं, तो ये मैंने लिख रखा है पूरी डिटेल के कब से आना शुरू हुए थे और कौन सा वर्जन है. मैंने 2019 में ये कंप्लीट किया था, तो लास्ट वर्जन 2019 लिखा था, अब 2021 भी इसका नया वर्जन आ गया. और ये जानने का बहुत आसान तरीका है कि आप गूगल पर जाएं और यहाँ पे जाके लिखें Microsoft Office latest version, तो ये खुद ही बता देगा, this is the latest version Microsoft Office 2021. Okay, ये software free नहीं है, इनकी cost भी है. हम जो software use कर रहे होते हैं वो pirated होते हैं, pirated मतलब free के चले हुए. ये देखिए 1,49,999 रुपए का है Office Professional 2021, ठीक है, ये आप buy करेंगे. Windows 10 and for the features requirements, ये इतने का मिलेगा.
और ये बता रहा है क्लास में इंटरेस्ट बता रहा है 32,299 रुपये का स्टूडेंट होम एंड स्टूडेंट एडिशन का। ठीक है, तो ये अब ये क्या होता है फ्री और वर्जन में और इसमें पेड वर्जन में। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर बेचेगी आपको पैसों में जिससे आप लेंगे वो फुल सपोर्ट देंगे आपको, मतलब आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा, सॉफ्टवेयर भी करप्ट नहीं होगा और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम आपके पास चलेगा। जो ये ट्रायल वर्जन हम इस्तेमाल करते हैं कभी भी करप्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा इंस्टॉल कराएं फिर हैक हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, ये होता रहता है। लेकिन क्या करें, 32,000 का कौन खरीदेगा, फ्री वाला ही चला दे बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो रहा होता है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे स्क्रीन के अंदर चल रहे होते हैं और वो हमें हमारे प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रहे होते हैं, उस सलूशन का जो हम इससे कंप्यूटर से काम लेना चाह रहे होते हैं। प्रोग्राम की डेफिनेशन है सेट ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शंस आफ्टर प्रोग्राम विच डायरेक्ट द कंप्यूटर्स। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जब ही कंप्यूटर उसको परफॉर्म कर रहा होता है। एक डायग्राम के मुताबिक हमने समझाने की कोशिश की आपको कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस बनाया। अब ऑफिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर शामिल है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है और जो विंडोज के मुख्तलिफ वर्जन हैं 7, 8, 10 और अब लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 11, ये भी इसके अंदर शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सॉफ्ट सब्जेक्ट इस तरह से मैंने लिख दिए हैं और अब हम इनमें से पहले कौन सा सीखें डिसाइड ये करना होता है। कोई भी सीख सकते हैं, चारों की अलग अलग फंक्शनलिटी है, चार भी एक साथ सीख सकते हैं, लेकिन उतना टाइम और स्पेस भी हमारे पास होना चाहिए। अब यूजुअली क्या करते हैं, आसानी के लिए हम पहले ये वाला वर्जन को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, हाँ 10, 11, विंडोज 11 प्रो जो एडिशन है, मतलब 10 जब भी चार एडिशन, प्रो, एंटरप्राइज और एक थोड़ा है एजुकेशन, स्टार्टर, ये चार एडिशन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हम सीखते हैं पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, जिसमें हम लेटर, सीवी, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, थीसिस, नोट्स वगैरह हम इजीली इसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे खुलेगा, सबसे पहले आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं, तो यहाँ जाएंगे आप सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ से जाएंगे ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे एप्स एंड फीचर्स पर और एप्स एंड फीचर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ऑफिस को, तो OSSIPE ऑफिस। तो ये देखिए बता रहा है कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ITSC प्रोफेशनल इंस्टॉल है, जो कि मेरे पास 2021 का वर्जन इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। अब कैसे खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा डब्ल्यू सेक्शन में। अगर नहीं भी मिल रहा है तो सर्च कर लेंगे WORD, ये आ गया वर्ड 2016, जैसे ही क्लिक करेंगे और ये आपके सामने लोड हो जाएगा। सही समझ में आ रही, अब ये आपसे कह रहा है आपने क्या करना है। तो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, बल्कि तीन हैं। पहली चॉइस पर पहले जो बने हुए फाइल्स हैं उनमें से कुछ खोल लें, अगर आपको वो नहीं ओपन करनी तो कह रहा है कि मेरे पास बने बनाए टेम्पलेट्स हैं इनमें से तुम्हें कुछ बनाना तो ये ले लें, वो भी नहीं करना, मुझे बिल्कुल ब्लैंक फाइल चाहिए, तो फिर कहेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक। तो ये एक नई फाइल लेके खुल गया आपके सामने। ठीक है, अब इसका जो सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन है ये कि ये इसका टाइटल बार है जो ऊपर आ रहा है जहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, फाइल का नाम लिखा हुआ है, अपनी तरफ से फाइल का नाम डालो। और इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं रिबन, क्या कहते हैं इस हिस्से को, रिबन के अंदर फाइल मेन्यू है जिसमें हम न्यू, ओपन, सेव, सेवेज कर सकते हैं फाइल को। और इसके आगे आएंगे होम टैब है, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, हर टैब के अंदर पैनल्स हैं, क्लिपबोर्ड पैनल, फॉन्ट पैनल, पैराग्राफ पैनल, स्टाइल पैनल, एडिटिंग पैनल। इंसर्ट में जाएंगे तो ये और मुख्तलिफ पैनल्स हैं, हर पैनल्स में मुख्तलिफ कमांड्स हैं, जैसे कि फॉन्ट के अंदर फॉन्ट से रिलेटेड कमांड्स हैं, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ से रिलेटेड कमांड्स हैं। और इस रिबिन को कंट्रोल हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, ऑटो हाइड रिबिन कर देंगे, ये हाइड हो जाएगा, क्लिक करेंगे, शो टैप्शन कमांड पर क्लिक करेंगे और इससे बैठ हो जाएगा, ऑटो हाइड कर देंगे, हाइड हो जाएगा, शॉर्ट टैप्स करेंगे तो खाली टैप्स नजर आएंगे, क्लिक करेंगे शॉर्ट टैप्स एंड कमांड्स करेंगे पूरा रिबन नजर आएगा। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे हमें जो कमांड्स यहाँ दी गई है, न्यू, ओपन, सेव, इन्हीं के शॉर्टकट हमें यहाँ दिए गए, सेव, अंडू, रीडू, न्यू का शॉर्टकट लेना है तो यहाँ से ले लें,
ओपन पे शॉर्टकट लेना भी है, मतलब सिंपली कि यहाँ से जाके आप कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, इससे बेहतर है कि यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से एग्जीक्यूट कर लो शॉर्टकट के साथ। इसके नीचे आएंगे, इसको हम कहते हैं रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये ग्रे एरियाज जो है हमारे मार्जिन है, ये लेफ्ट मार्जिन है हमारा, ये राइट मार्जिन है हमारा, और ये हमारा पेपर पीस जिसको हम कह रहे हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। ये वर्टिकल मार्जिन है हमारा, ये टॉप मार्जिन है हमारा, ये मार्जिन लाइन से नीचे आएंगे तो ये हमारा कह रहा है कि ये नीचे वाला ये बॉटम मार्जिन है, और ये बीच का व्हाइट एरिया जहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, कर्सर यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। उसके नीचे आ जाएंगे, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ से आप अपने पेज को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन दोनों कर सकते हैं यहाँ से। और ये आपने लेआउट जो है तीन है इसमें, एक है इसके अंदर वेब लेआउट, एक है प्रिंट लेआउट, और एक है रीडिंग व्यू। और इससे बाहर कैसे आएंगे, स्केप का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, आप बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है। ओके, जूम लेवल 100% पे रखेंगे तो आपका स्क्रीन फोकस रहेगा। अब इसके अंदर फाइल को कैसे सेव करेंगे, फाइल पे जाके सेव पर क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कहाँ सेव करनी है, मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्राउज कर दिया और बताओ बोले भाई कहाँ सेव करोगे अपनी फाइल को। मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट्स में जाओ, यहाँ एक फोल्डर बना हुआ है वर्ड फाइल्स के नाम से, इसमें चले जाओ और इसमें जाके अपनी फाइल को सेव कर लो। तो मैंने कहा इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं जिसमें सेव करो, तो सपोज कभी हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके एक फोल्डर बना लिया, सपोज कभी सक्सेस के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया और उसके अंदर जाके हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया, क्लिक किया यहाँ। फाइल का नाम क्या रखना है, सपोज हमने कहा क्लास 01 इंट्रोडक्शन, ये हमने फाइल का नाम रख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये हमारी पहली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल सेव हो गई। अब सेव होने के बाद आप इसका कुछ भी टाइप करें यहाँ पे क्लिक करके, सपोज कभी आपने यहाँ पे टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिखने के बाद एंटर दबाएंगे तो न्यू पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, दो लाइन का गैप आएगा, तो एंटर दबाएंगे न्यू पैराग्राफ और दो लाइन का पैराग्राफ का गैप आ जाएगा और यहाँ निकालेंगे माइक्रोसॉफ्ट। लिखने के बाद सेव कर लें यहाँ से शॉर्टकट के तौर पर, सेलेक्ट कर लें इसको, यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ा लें, कम कर लें, कुछ कमांड्स हैं फॉन्ट से रिलेटेड, फॉन्ट को चेंज करना है यहाँ से फॉन्ट को चेंज करना है, बहुत सारे फॉन्ट्स इसके अंदर आपको दिखाई देने होंगे। उसके बाद जो फॉन्ट्स आपको सही लग रहा है वो यहाँ से इसके ऊपर लगा लें, अलग अलग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसका अलग कर लें उसका अलग कर लें, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करके बोल्ड करना है, गहरा नहीं करना है, टेढ़ा करना है, इटैलिक अंडरलाइन देना है नहीं देना है, ठीक है। और यहाँ से इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, दोनों का भी कर सकते हैं और अलग से अलग भी कर सकते हैं, इसका कलर भी अलग से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दोबारा से ब्लैक कलर करना है दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से ऑटोमेटिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ लिख दिया है पहले से स्मॉल या कैपिटल लेटर्स में तो उसको भी चेंज केस कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं लिखने के बाद भी, और दोबारा से उसको लोअर केस में, और दोबारा से कैपिटलाइज ईच वर्ड में, और दोबारा से उसको सेंटेंस केस में, जिसको चाहे हम इसमें यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं लिखने के बाद भी, अगर कोई पाबंदी नहीं मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी पेस्ट के ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से कॉपी करें, जहाँ पेस्ट करना है वहाँ कर्सर की पोजीशन को सेट करें, पेस्ट, ठीक है, पेस्ट 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 पेस्ट, और उसको यहाँ से कट करें तो सेलेक्ट कर लें यहाँ से और कट करें, जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर रखे करेंगे आप इसको पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट और कट करके सेव करते जाएँ फाइल को। फाइल को क्लोज कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे यहाँ से क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगी फाइल, सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा। फाइल को ओपन करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली उस फोल्डर में जाएं जहाँ आपने फाइल को सेव किया है, याद होना चाहिए कहाँ सेव किया आपने, मैंने सेव किया था वर्ड फाइल्स में जाके, उसके अंदर एक फोल्डर बनाया मैंने सक्सेस के नाम का, उसके अंदर ये मेरी फाइल से आइकन नोट कर लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का जो आइकन है कुछ इस तरह का है, पर डबल क्लिक करें ये डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो जाएगा, सही। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले वर्ड को खोलें, तो ये मैंने वर्ड को सर्च किया, क्लिक किया, वर्ड लोड हो जाए जब तो आपको जो अभी लास्ट टाइम फाइल पे आप काम कर रहे थे वो वैसे नीचे ही नजर आएगी, अगर नहीं नजर आ रही है तो यहाँ से ओपन पे जाइए, यहाँ से ब्राउज कर लीजिए और फिर उस फोल्डर में चले जाएं जहाँ से ये थी, सपोज टू बी वर्ड फाइल्स में चले गए यहाँ से, सक्सेस के फोल्डर में चले गए यहाँ से, और इसके अंदर हमारी फाइल्स हमें दिखाई दे रही है, यही से हम क्लिक करके इसको दोबारा क्लिक करेंगे और क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, फिर जो भी काम करना है इसको सेव करते रहेंगे। तो इस तरह से ये आपका लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। याद रखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल होता है किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट, लेटर, पीजी, एप्लीकेशन, थीसिस, नोट्स, कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सही है, मैंने लिखा था इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज होता है किसी भी किस्म के लेटर, सीवी, एप्लीकेशन, थीसिस, नोट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में। सही है,